लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। 3 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे बीजेपी के कद्दावर नेता हुए कांग्रेस में शामिल। कांग्रेसियों में भयंकर जश्न। दरअसल आपको बता दें, झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। झारखंड के बीजेपी के पूर्व सीनियर नेता राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो 3 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। राम टहल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि जैसा कि वादा किया गया था कि हर 2-4 दिन में कुछ लोगों की नींद हराम करनी है, उसी वादे को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद 3 बार के विधायक राम टहल जी का हम स्वागत करेंगे। राम टहल ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। राम टहल ने कहा, मैं आज कांग्रेस में इनके नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हो रहा हूं। मैं 5 बार सांसद रहा। पिछले चुनाव से 2 महीने पहले हमसे कहा गया था कि हम लिख कर दें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने तो कहा कि यह तानाशाही है, कहना था तो पहले कहते। हमने उसी वक्त इस्तीफा दिया और निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। राम टहल ने आगे कहा, हमारे यहाँ और पूरे देश में राहुल जी का दौरा हुआ। हमारे यहाँ झारखंड में 5 दिन का दौरा रहा, जिससे मैं प्रभावित रहा। भारत जोड़ो आंदोलन में लंबी यात्रा की, आम लोगों को लगता था कि बहुत कष्ट में है। उन्होंने जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया। जाति जनगणना जो आवश्यक है, जाति जनगणना नहीं होगा, हिस्सेदारी पता नहीं चलेगा। आम जनता चाहती है कि जाति जनगणना हो और इस मुद्दे को उठाते रहें, इससे मैं प्रभावित हूं। इसी के साथ आपको बता दें, 82 वर्षीय राम टहल चौधरी 1991 से 2004 तक झारखंड की रांची सीट से बीजेपी के लोकसभा सदस्य रहे हैं। इसके पहले वह अविभाजित बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। हालांकि 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था।